नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है। बिहार सरकार के जो भी हैं उनके तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है कि और 66,000 नए पद जो नियुक्त होंगे, ठीक है, इसमें क्या कितना किनको पद है, दरोगा के या पुलिस के लिए कितना क्या पद है, हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल में आप जानेंगे। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे देख सकते हैं, अवसर नए पदों पर बहाली की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं नई जो प्रक्रिया आने वाली है पुलिस की, यहाँ पे उसके बाद देख सकते हैं बिहार पुलिस में 62,000 नए पद होंगे बहाली। 62,000 मतलब नए पद होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पूरा इन डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पूरा डिटेल में यहाँ पे बताया है, वर्दी के शौक रखने वाले युवाओं को जल्द सुनहरा अवसर मिलने वाला है। जो भी यहाँ पे उसके बाद देख सकते हैं बिहार पुलिस में 1-2 हज़ार नहीं बल्कि 62,000 यहाँ पे देख सकते हैं पूरा बताया गया है, 62,000 पदों पर बहाली होगी। 1-2 माह में इसकी शुरुआत हो जाएगी, 1-2 माह में इसकी शुरुआत जो हो जाएगी। फिलहाल सिपाही में करीब 6,500 रिक्त पदों से बहाली प्रक्रिया शुरू होगी, 6,500 जो शुरू होगी प्रक्रिया बहाली का, ठीक है। और वहीं बाकी 55,000 से अधिक पदों पर यह चरणवार, मतलब चरण जो एक चरण दो चरण या इसी चरण में होगा, जल्द ही नए पदों पर सृजन प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा, ठीक है। तो कैबिनेट में भेजा जाएगा, वहाँ से मंजूरी आता है, उसके बाद ही यहाँ पे भर्ती लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो सृजित होने वाले पद, दरोगा के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 23,000 है, SSI 1,800, हवलदार के लिए 4,000, सिपाही के लिए 35,000, चालक सिपाही के लिए 9,000 भर्ती है, पद है 9,000 पद है। तो इसके लिए दोस्तों आपको तैयार होकर रहना है, जैसे कि जो भी आपका इसमें ज़रूरी पड़ता है, जो जाति निवास आय या आचरण प्रमाण पत्र, तो आपको ये पहले से ही बनवा के रखना है, क्योंकि इसमें करंट लगता है, ठीक है। और आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, जो भी आपका है रनिंग दौड़ है और पढ़ाई के भी इसमें बहुत ज़रूरी है, 12th पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो इसमें आप हो सकता है। और यहीं पे दोस्तों बहुत बड़ी और भी अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। मैं पेपर कटिंग यहाँ पे पूरा इसको दिखा देता हूँ, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, पूरा डिटेल में इसका जानकारी ले सकते हैं। और तो दोस्तों इस बारे में और भी अपडेट आने वाले हैं, ठीक है। अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं पूरा इसका अपडेट जो भी अपडेट आएगा मैं इसके बारे में अपडेट दे दूंगा। इसको आप लोग आप अपने से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा आपको दिखा देता हूँ, आप अपने से पढ़ लेंगे, इसमें पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसी को आप स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। तो यही दोस्तों जानकारी था, अगर जानकारी पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम।